जुपिटर का साइज इतना बड़ा है कि सोलर सिस्टम के बाकी सारे प्लैनेट्स के मास को कंबाइन कर दें तो भी जुपिटर उनसे ढाई गुना ज्यादा भारी है। ये मेनली हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस का बना है और इसे गैस जायंट भी बोलते हैं। मगर ये हमारे क्या काम का है? अगर जुपिटर नहीं होता तो अर्थ पे लाइफ इम्पॉसिबल थी। अर्थ को जुपिटर दो तरीके से बचाता है। पहला तरीका, जुपिटर की ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि ये अर्थ को एक नियर सर्कुलर ऑर्बिट में बांधे रखा है। अगर ये नहीं होता तो अर्थ की ऑर्बिट एकदम इलिप्टिकल होती और मौसम में बहुत ज्यादा वेरिएशन होते, इस कारण लाइफ यहाँ पर इम्पॉसिबल थी। और दूसरा तरीका, इसी हाई ग्रेविटी के कारण कोई भी एस्टेरॉयड या मीटियोराइट जो अर्थ की तरफ आ रहा होता है, जुपिटर उसको डिफ्लेक्ट कर देता है और अर्थ से थोड़ा सा दूर फेंक देता है। इसीलिए इसे सोलर सिस्टम का वैक्यूम क्लीनर भी बोलते हैं। मगर मिलियंस ऑफ ईयर्स में कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई एस्टेरॉयड जा रहा हो चुपचाप और जुपिटर उसको खींच के अर्थ की तरफ फेंक दे, जैसा कि प्रोबेबली हुआ था डायनासोर्स की एज में 65 मिलियन ईयर्स अगो, जब सारे डायनासोर्स एक एस्टेरॉयड के कारण एक्सटिंक्ट हो गए।